नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। अभी आधे घंटे पहले गोरखपुर सोनौली रोड पर एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और यह घटना जो है नौतनवा थाना क्षेत्र के मुड़ना पेट्रोल पंप के पास हुई है। और यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी जो हैं उनके अनुसार एक मोटरसाइकिल जो है वो नौतनवा से गोरखपुर की तरफ जा रही थी और दूसरी मोटरसाइकिल जो है वो गोरखपुर से नौतनवा की तरफ आ रही थी। और मिली जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल पर चार लोग बैठे थे और एक मोटरसाइकिल पर एक ही व्यक्ति था और दोनों की स्पीड कहीं ना कहीं बहुत तेज थी। इस वजह से आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके हैं और चार लोगों को फिलहाल तत्काल एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल जो है रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। और यहाँ पर जो छपवां चौकी के सिपाही हैं वो लोग पहुँचे हुए हैं। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आप गाड़ियों की स्थिति देखेंगे उसमें लगेगा कि भाई स्पीड बहुत तेज थी दोनों गाड़ियों की। और एक जो घायल है वो फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस गाड़ी पर चार लोग बैठे थे जो बता रहे हैं लोग, वह यहीं बगल में जमुहानी के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जो है वह गोरखपुर का बताया जा रहा है। फिलहाल यहां पर पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं और हम आपको गाड़ी की स्थिति दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक गाड़ी है, आप देखिए कि स्पीड कितनी तेज रही होगी। पूरा जो एलाइवल होता है वो पूरी तरीके से परखच्चा उड़ चुका है गाड़ी का और दूसरी गाड़ी जो है वो फिलहाल थाने पहुँचाई जा रही है। ये स्थिति है, कहीं ना कहीं बार बार लोग बताते हैं और यातायात विभाग के द्वारा लोगों को गाइड भी किया जाता है कि आप गाड़ियों को धीरे चलाएं, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है। आप देखिए कितनी जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। और लोग बता रहे हैं कि जो चार लोगों को भेजा गया है उसमें किसी का पैर टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है। तो फिलहाल ये स्थिति है और अभी जो पुलिस है वो आइडेंटिफाई कर रही है और जो लड़का है उससे पूछताछ जारी है कि कहाँ का रहने वाला है। बता रहा है गोरखपुर का और बता रहा है कि उसका कोई रिश्तेदारी यहीं बगल में एक गांव है गजरहा करके वहाँ पर है, उनको फोन लगाया जा रहा है किसी तरीके से कि इसके परिजनों से बात हो सके। लेकिन जो चार लोगों को भेजा गया है उनकी स्थिति लोग बता रहे हैं कि गंभीर है थोड़ी सी और भीड़ लगी हुई है। कहीं ना कहीं बार बार हम अपील करते हैं कि जो गाड़ी है उसको धीरे चलाएं, नहीं तो इस तरीके के जो हादसे हैं वो होते रहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अभी अभी लोगों से और जानकारी मिली है कि जो रेड वाली गाड़ी थी उसमें तीन लोग बैठे थे और जो एक और गाड़ी है गोरखपुर की उसमें बता रहे हैं कि दो लोग बैठे थे फिलहाल। और एक जो युवक है गोरखपुर का वो देखने पर यही लग रहा है कि थोड़ा बहुत नशे में तो है ही, क्योंकि जिस तरीके से वो उसका बिहेवियर है लग रहा है वो तो लग रहा है कि नशे में है वो।